दोस्तों, इस संसार में कोई भी ऐसा प्राणी नहीं होगा जो धन की इच्छा ना रखता हो। हर कोई यही चाहत रखता है कि उसके पास इतना सारा धन हो कि वो उससे अपनी सभी इच्छाएं पूर्ण कर सकें। यदि बहुत सारा नहीं तो कम से कम इतना धन हो ही कि वो अपना गुजारा कर सकें। धन को प्राप्त करने के लिए कुछ लोग सही राह चुनते हैं, वे धन पाने के लिए कड़ी मेहनत करते हैं, परंतु कुछ लोग छल कपट का सहारा लेकर अतिशीघ्र धन कमाने की कामना करते हैं। दूसरी तरफ कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनके पास पैसे ज्यादा दिन तक नहीं टिक पाते। कभी कभार जिंदगी में कुछ ऐसी मुसीबतें आ जाती है, ऐसी परेशानियों का सामना हमें करना पड़ता है, नामुमकिन सा ही लगता है। इन परिस्थितियों में गजेंद्र मोक्ष का पाठ सर्वश्रेष्ठ फलदायी है, इससे कर्ज और पितृदोष से भी मुक्ति मिलती है। तो आइए सुनते हैं गजेंद्र मोक्ष स्तोत्र हिंदी में। लेकिन दोस्तों, उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा। श्री शुकदेव जी ने कहा, बुद्धि के द्वारा पिछले अध्याय में वर्णित रीति से निश्चय करके तथा मन को हृदय देश में स्थिर करके वो गजराज अपने पूर्व जन्म में सीखकर कंठस्थ किए हुए सर्वश्रेष्ठ एवं बार बार दोहराने योग्य निम्नलिखित स्तोत्र का मन ही मन पाठ करने लगा। गजराज ने मन ही मन कहा, जिनके प्रवेश करने पर ये जड़ शरीर और मन आदि भी चेतन बन जाते हैं, ओम शब्द के द्वारा लक्षित तथा संपूर्ण शरीरों में प्रकृति एवं पुरुष रूप से प्रविष्ट हुए उन सर्वसमर्थ परमेश्वर को हम मन ही मन नमन करते हैं। जिनके सहारे ये विश्व टिका है, जिनसे ये निकला है, जिन्होंने इसकी रचना की है और जो स्वयं ही इसके रूप में प्रकट है, फिर भी जो इस दृश्य जगत से एवं उसकी कारणभूता प्रकृति से सर्वथा परे एवं श्रेष्ठ है, उन अपने ही आप बिना किसी कारण के बने हुए भगवान की मैं शरण लेता हूँ। अपनी संकल्प शक्ति के द्वारा अपने ही स्वरूप में रचे हुए और इसीलिए सृष्टि काल में प्रकट और प्रलय काल में उसी प्रकार अप्रकट रहने वाले इस शास्त्र प्रसिद्ध कार्य कारण रूप जगत को जो अकुंठित दृष्टि होने के कारण साक्षी भाव से देखते रहते हैं, उनसे अलिप्त नहीं होते वे चक्षु आदि प्रकाशकों के भी परम प्रकाशक प्रभु मेरी रक्षा करें। समय के प्रवाह से संपूर्ण लोकों में ब्रह्मादि लोकपालों के पंचभूतों में प्रवेश कर जाने पर तथा पंचभूतों से लेकर महतत्व पर्यंत संपूर्ण कारणों के उनकी परम करुणारूप प्रकृति में लीन हो जाने पर उस समय दुर्जय तथा अपार अंधकार रूप प्रकृति ही बच रही थी। उस अंधकार के परे अपने परम धाम में जो सर्वव्यापक भगवान सब ओर प्रकाशित रहते हैं, वे प्रभु मेरी रक्षा करें। भिन्न भिन्न रूपों में नाट्य करने वाले अभिनेता के वास्तविक स्वरूप को जिस प्रकार साधारण दर्शक नहीं जान पाते, उसी प्रकार सत्व प्रधान देवता अथवा ऋषि भी जिनके स्वरूप को नहीं जानते, फिर दूसरा साधारण जीव कौन है जो जान सकता है अथवा वर्णन कर सकता है। वे दुर्गम चरित्र वाले प्रभु मेरी रक्षा करें। आसक्ति से सर्वथा छूटे हुए संपूर्ण प्राणियों में आत्मबुद्धि रखने वाले सबके अकारण हितैषी एवं अतिशय साधु स्वभाव मुनिगण, जिनके परम मंगलमय स्वरूप का साक्षात्कार करने की इच्छा से वन में रहकर अखंड ब्रह्मचर्य आदि अलौकिक व्रतों का पालन करते हैं, वे प्रभु ही मेरी गति है। जिनका हमारी तरह कर्मवश न तो जन्म होता है और न जिनके द्वारा अहंकार प्रेरित कर्म ही होते हैं, जिनके निर्गुण स्वरूप का न तो कोई नाम है न रूप है, फिर भी जो समय अनुसार जगत की सृष्टि एवं प्रलय के लिए स्वेच्छा से जन्म आदि को स्वीकार करते हैं, उन अनंत शक्ति संपन्न परब्रह्म परमेश्वर को नमस्कार है। उन प्राकृत आकार रहित एवं अनेकों आकार वाले अद्भुत कर्मा भगवान को बार बार नमस्कार है। स्वयं प्रकाश एवं सबके साक्षी परमात्मा को नमस्कार है। उन प्रभु को जो मन वाणी एवं चित्त वृत्तियों से भी सर्वथा परे हैं, बार बार नमस्कार है। विवेकी पुरुष के द्वारा सत्वगुण विशिष्ट निवृत्ति धर्म के आचरण से प्राप्त होने योग्य मोक्ष सुख देने वाले तथा मोक्ष सुख की अनुभूति रूप प्रभु को नमस्कार है। सत्वगुण को स्वीकार करके शांत, रजोगुण को स्वीकार करके घोर एवं तमोगुण को स्वीकार करके मूढ़ से प्रतीत होने वाले भेद रहित सदा संभाव में स्थित ज्ञान घन प्रभु को नमस्कार है। शरीर इंद्रियादि समुदाय रूप संपूर्ण पिंडों के ज्ञाता सबके स्वामी एवं साक्षी रूप आपको नमस्कार है। सबके अंतर्यामी प्रकृति के भी परम कारण किंतु स्वयं कारण रहित प्रभु को नमस्कार है। संपूर्ण इंद्रियों एवं उनके विषयों के ज्ञाता समस्त प्रतीतियों के कारण रूप संपूर्ण जड़ प्रपंच एवं सबकी मूलभूता अविद्या के द्वारा सूचित होने वाले तथा संपूर्ण विषयों में अविद्या रूप से भासने वाले आपको नमस्कार है। सबके कारण
किंतु स्वयं कारण रहित तथा कारण होने पर भी परिणाम रहित होने के कारण अन्य कारणों से विलक्षण कारण आपको बारंबार नमस्कार है। संपूर्ण वेदों एवं शास्त्रों के परम तात्पर्य मोक्ष रूप एवं श्रेष्ठ पुरुषों की परम गति भगवान को नमस्कार है, जो त्रिगुण रूप कोष्ठों में छिपे हुए ज्ञानमय अग्नि है। उक्त गुणों में हलचल होने पर जिनके मन में सृष्टि रचने की बाह्य वृत्ति जागृत हो जाती है तथा आत्म तत्व की भावना के द्वारा विधि निषेध रूप शास्त्र से ऊपर उठे हुए ज्ञानी महात्माओं में जो स्वयं प्रकाशित रहते हैं, उन प्रभु को मैं नमस्कार करता हूँ। मुझ जैसे शरणागत पशुतुल्य जीव की अविद्या रूप फांसी को सदा के लिए पूर्ण रूप से काट देने वाले अत्यधिक दयालु एवं दया करने में कभी आलस्य न करने वाले नित्य मुक्त प्रभु को नमस्कार है। अपने अंश से संपूर्ण जीवों के मन में अंतर्यामी रूप से प्रकट रहने वाले सर्वनियंता अनंत परमात्मा आपको नमस्कार है। शरीर पुत्र मित्र घर संपत्ति एवं कुटुंबियों में आसक्त लोगों के द्वारा कठिनता से प्राप्त होने वाले तथा मुक्त पुरुषों द्वारा अपने हृदय में निरंतर चिंतित ज्ञान स्वरूप सर्वसमर्थ भगवान को नमस्कार है। जिन्हें धर्म अभिलाषित भोग धन एवं मोक्ष की कामना से भजने वाले लोग अपनी मनचाही गति पा लेते हैं, अपितु जो उन्हें अन्य प्रकार के अयाचित भोग एवं अविनाशी पार्षद शरीर भी देते हैं, वे अतिशय दयालु प्रभु मुझे इस विपत्ति से सदा के लिए उबार लें। जिनके अनन्य भक्त जो वस्तुतः एकमात्र उन भगवान की ही शरण है, धर्म अर्थ आदि किसी भी पदार्थ को नहीं चाहते परंतु उन्हीं के परम मंगल में एवं अत्यंत विलक्षण चरित्रों का गान करते हुए आनंद के समुद्र में गोते लगाते रहते हैं, उन अविनाशी सर्वव्यापक सर्वश्रेष्ठ ब्रह्मादि के भी नियामक अभक्तों के लिए अप्रकट होने पर भी भक्ति योग द्वारा प्राप्त करने योग्य अत्यंत निकट होने पर भी माया के आवरण के कारण अत्यंत दूर प्रतीत होने वाले इंद्रियों के द्वारा अगम्य तथा अत्यंत दुर्विज्ञेय अंतरहित किंतु सबके आदि कारण एवं सब ओर से परिपूर्ण उन भगवान की मैं स्तुति करता हूँ। ब्रह्मादि समस्त देवता चारों वेद तथा संपूर्ण चराचर जीव नाम और आकृति के भेद से जिनके अत्यंत क्षुद्र अंश के द्वारा रचे गए हैं, जिस प्रकार प्रज्वलित अग्नि की लपटें तथा सूर्य से किरणें बार बार निकलती है और पुनः अपने कारण में लीन हो जाती है, उसी प्रकार बुद्धि मन इंद्रियां और नाना योनियों के शरीर ये गुणमय प्रपंच जिन स्वयं प्रकाश परमात्मा से प्रकट होता है और पुनः उन्हीं में लीन हो जाता है, वे भगवान न तो देवता है न असुर न मनुष्य है न तिर्यक योनि के प्राणी है न वे स्त्री है न पुरुष और न नपुंसक ही है न वे ऐसे कोई जीव है जिनका इन तीनों ही श्रेणियों में समावेश ना हो सके। ना वे गुण है ना कर्म ना कार्य है ना तो कारण ही। सबका निषेध हो जाने पर जो कुछ बचा रहता है वही उनका स्वरूप है और वे ही सब कुछ है। ऐसे भगवान मेरे उद्धार के लिए आविर्भूत हो। मैं इस ग्राह के चंगुल से छूटकर जीवित रहना नहीं चाहता, क्योंकि भीतर और बाहर सब ओर से अज्ञान के द्वारा ढके हुए इस हाथी के शरीर से मुझे क्या लेना है। मैं तो आत्मा के प्रकाश को ढंग देने वाले उस अज्ञान की निवृत्ति चाहता हूँ जिसका कालक्रम से अपने आप नाश नहीं होता अपितु भगवान की दया से अथवा ज्ञान के उदय से होता है। इस प्रकार मोक्ष का अभिलाषी मैं विश्व के रचयिता स्वयं विश्व के रूप में प्रकट तथा विश्व से सर्वथा परे विश्व को खिलौना बनाकर खेलने वाले विश्व में आत्मा रूप से व्याप्त अजन्मा सर्वव्यापक एवं प्राप्तव्य वस्तु सर्वश्रेष्ठ श्री भगवान को केवल प्रणाम ही करता हूँ, उनकी शरण में हूँ। जिन्होंने भगवत भक्ति रूप के योग द्वारा कर्मों को जला डाला है वे योगी लोग उसी योग द्वारा शुद्ध किए हुए अपने हृदय में उन्हें प्रकट हुआ देखते हैं, उन योगेश्वर भगवान को मैं नमस्कार करता हूँ। जिनकी त्रिगुणात्मक शक्तियों का राग रूप वेग असह्य है, जो संपूर्ण इंद्रियों के विषय रूप में प्रतीत हो रहे हैं तथापि जिनकी इंद्रियों विषयों में ही रची पची रहती है, ऐसे लोगों को जिनका मार्ग भी मिलना असंभव है, उन शरणागत रक्षक एवं अपार शक्तिशाली आपको बार बार नमस्कार है। जिनकी अविद्या नामक शक्ति के कार्यरूप अहंकार से ढके हुए अपने स्वरूप को ये जीव जान नहीं पाता, उन अपार महिमा वाले भगवान की मैं शरण आया हूँ। जिसने पूर्वोक्त प्रकार से भगवान के भेद रहित निराकार स्वरूप का वर्णन किया था, उस गजराज के समीप जब ब्रह्मा आदि कोई भी देवता नहीं आए जो भिन्न भिन्न प्रकार के विशिष्ट विग्रहों को ही अपना स्वरूप मानते हैं, तब साक्षात श्री हरि जो सबके आत्मा होने के कारण सर्वदेव स्वरूप है वहाँ प्रकट हो गए। उपर्युक्त गजराज को उस प्रकार दुखी देखकर उसके द्वारा पढ़ी हुई स्तुति को सुनकर सुदर्शन चक्रधारी जगदाधार भगवान इच्छानुरूप वेग वाले गरुड़जी की पीठ पर सवार हो स्तवन करते हुए देवताओं के साथ तत्काल उस स्थान पर पहुँच गए जहाँ वो हाथी था। सरोवर के भीतर
महाबली ग्राहक के द्वारा पकड़े जाने पर दुखी हुए उस हाथी ने आकाश में गरुड़ की पीठ पर चक्र को उठाए हुए भगवान श्री हरि को देखकर अपनी सुंड को, जिसमें उसने पूजा के लिए कमल का एक फूल ले रखा था, ऊपर उठाया और बड़ी ही कठिनता से सर्वपूज्य भगवान नारायण आपको प्रणाम है ये वाक्य कहा। उसे पीड़ित देखकर अजन्मा श्री हरि एकाएक गरुड़ को छोड़कर नीचे झील पर उतर आए। वे दया से प्रेरित होकर ग्राह सहित उस गजराज को तत्काल झील से बाहर निकल लाए और देवताओं के देखते देखते चक्र से उस ग्राह का मुंह चीर कर उसके चंगुल से हाथी को उबार लिया। तो दोस्तों, ये था गजेंद्र मोक्ष स्तोत्र हिंदी में भावार्थ। आज के लिए बस इतना ही।